तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वॉइस को किस तरीके से एडिट करेंगे कि आपकी जो वॉइस है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव और अट्रैक्टिव हो जाएगी। गाइस होता क्या है कि हम जब भी कोई अपनी वीडियो एडिट करते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस होता है वो वीडियो को एडिट करने पर होता है, ना कि उसकी वॉइस पर। तो इस वीडियो में मैं आपको वॉइस को इम्प्रूव करने के 3-4 तरीके बताऊँगा। इसको अगर आप फॉलो करके अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वीडियो है, जो वॉइस है, वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ें मैं आपको काइनमास्टर के थ्रू बताने वाला हूँ। अगर आप किसी और एडिटर या ऐप से अपनी वीडियो एडिट करते हैं तो जो ऑप्शन मैं आपको इस काइनमास्टर के अंदर बताने वाला हूँ, सेम आपको वही चीज़ें जो है उसके अंदर वो चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप वीडियो एडिट करने वाले हैं उसको आपको जो है एडिट की फॉर्म में ले लेना है। उसके बाद गाइस नंबर वन टिप यह है कि अगर आपके पास जो है बोया का माइक नहीं है तो आप सबसे पहले बोया का माइक परचेस कर लेना, क्योंकि अगर आपका भी वॉइस ओवर चैनल है या नॉर्मली आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो अगर आप जैसे फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हैं तो वॉइस उसमें काफ़ी अच्छी नहीं आ पाती है। अगर आप बोया का माइक लगा के वीडियो शूट करेंगे और उसको नॉर्मली एडिट नहीं भी करेंगे तो भी आपकी वॉइस जो है पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपका भी वॉइस ओवर चैनल है या आप नॉर्मली भी कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है बोया का माइक ले लेना है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप जो है शूट कर सकते हैं अपने फ़ोन से भी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो की लेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है साउंड का जो 100 पे है, तो अगर आपको अपनी वॉइस के अंदर लग रहा है कि वॉइस कम है या ज़्यादा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 150 से ऊपर इसको मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये आपकी वॉइस को जो है मतलब फटी फटी से आपकी एक वॉइस हो जाएगी अगर आप इसको जो है ज़्यादा जो है 200 पे कर देते हैं। तो 150 जो है नॉर्मल है, यहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नंबर टू टिप है, आप अपनी वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम एन वाला आपका ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन गाइस इसलिए है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपकी वॉइस कम है या ज़्यादा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपकी वॉइस जो है यहाँ पे कम है तो इसकी ये जो 100 वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको आपको इस तरीके से ऊपर कर देना है, तो यहाँ पर एक बिंदी सी बन जाएगी। उसके बाद जैसे आप इसको आगे करेंगे इसको आप नीचे कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है वॉइस ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे भी आपको लग रहा है वॉइस कम है या ज़्यादा है तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि वॉइस जो है पूरी वीडियो में ही कम है तो आपको जो मैंने पहला ऑप्शन बताया वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस वीडियो के लेयर पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको EQ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अगर आपकी जो वीडियो आपने बनाई है उसमें बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर ट्रैवल बूस्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शार्प बना देता है। मतलब एक आप अगर सुनेंगे अपनी वॉइस को ट्रैवल बूस्टर के साथ अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप अपनी वॉइस को सुनते हैं या इस ऑप्शन पर भी क्लिक करके अपनी वॉइस को सुनते हैं तो आपकी वॉइस जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो में बेस नहीं है तो आप जो है बेस बूस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और जो है इसको आप जो है रॉक पे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जिससे आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है आप ट्रैवल बूस्टर का यूज़ जो है अपनी हर एक वीडियो में करेंगे तो आपकी वॉइस पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल सुना नहीं सकता क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अलावा गाइस आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। अब गाइस ये ऑप्शन किस लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस जैसे आप सपोज़ कीजिए कोई आपने वीडियो ले रखी है यहाँ पे, उसकी ऑडियो निकाल के आपको अगर किसी और वीडियो पर लगानी है, जैसे सपोज़ कीजिए ये वीडियो है इस पर आपने एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया तो इस वीडियो की जो ऑडियो है वो निकल के नीचे लेयर के रूप में आ जाएगी। अब जैसे आपको सपोज़ कीजिए इसकी जगह आपको कोई और वीडियो लगानी है लेकिन आपको वॉइस जो है इसी वीडियो की चाहिए तो आप जो है क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे और इसकी लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद मीडिया में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक जो है वीडियो ले लेंगे।
जैसे सपोज़ कीजिए ये मैंने इमेज ही ले लिया एक, तो ये आपने ले लिया, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑडियो है ये नीचे पिछली वीडियो की ऑडियो है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वीडियो की ऑडियो आपको यूज़ करनी है अपनी दूसरी किसी वीडियो के अंदर, तो ये ऑप्शन जो है उस चीज़ के लिए होता है। इसके अलावा गाइस, जैसे आपकी वीडियो के अंदर नॉइज़ है तो आपको जो है एक कॉपीराइट फ्री जो ऑडियो होता है, जो ट्यून होती है, वो आपको डाउनलोड करके रखनी है, और ऑडियो पे जाने के बाद आपको जो है उस ऑडियो को अपनी वीडियो के अंदर लगा देना है इस तरीके से। इससे गाइस होगा ये कि जो आपकी नॉइज़ है वो इस ऑडियो के कारण जो है छुप जाएगी। तो मतलब बैकग्राउंड में जैसे कभी कभी होता है ना, नॉइज़ आ जाती है, बाहर की जो वॉइस होती है वो आ जाती है हल्की हल्की, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड थीम के रूप में जो है एक कॉपीराइट फ्री जो टोन होती है उसको डाउनलोड करके रखना है। इसके अलावा जैसे आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके अलावा ये जो डकिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि जो बैकग्राउंड वाली टोन है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, मतलब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगी, आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि बैकग्राउंड टोन को कम करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है वॉइस का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और मैंने जैसे आपको बताया था जो भी आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ 3-4 ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए, तो इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी जो वॉइस है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।